चीन और अमेरिका टेक्नोलॉजी के मामले में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए हैं। हाल ही में अमेरिका ने चांद पर इंसानी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से एटॉमिक मिशन को लॉन्च किया था। इसी का जवाब देने के लिए चीन ने भी स्पेस से जुड़े कई मिशन की शुरुआत की। हाल ही में चीन के एक कारनामे से पूरी दुनिया हैरान है। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप समूह बनाकर लोगों को दंग कर दिया है। इस टेलीस्कोप को बनाने में 313 डिस्क का इस्तेमाल किया गया है, जिसके पूरे गोले का आकार करीब 3.14 किलोमीटर के बराबर है। आमतौर पर यह स्पेस के मौसम से जुड़ी जानकारी देगा, लेकिन चीन के वैज्ञानिकों ने एक और हैरान कर देने वाला दावा किया है। चीन ने दक्षिणी पश्चिमी प्रांत सिचुआन में इस टेलीस्कोप समूह को बनाया गया है और उन पर नज़र भी रखेगा। इसके साथ सूर्य पर होने वाली घटनाओं पर भी इसका खास ध्यान होगा। यह सूरज की सतह पर होने वाले भयंकर विस्फोटों की जानकारी देगा, खासकर उनकी जानकारी देगा जिनका प्रभाव धरती पर पड़ेगा। तथा इसके साथ वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह टेलीस्कोप मौसम की भविष्यवाणी करने में भी सक्षम है। रिसर्चर की माने तो स्पेस के मौसम की सटीक जानकारी होने से उपग्रहों को लॉन्च करने में आसानी होगी। इसे बनाने वाले चीनी वैज्ञानिक वू लिन ने कहा है कि इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि कहीं किसी तूफान से धरती को तो खतरा नहीं है। आपको बता दें कि यह टेलीस्कोप अभी अपना काम साल 2023 के जून महीने से शुरू करेगा। इसकी मदद से सैटेलाइट का सामान्य संचालन किया जा सकेगा।